उत्तराखंड में इन दिनों मूल निवास और भू कानून का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में कई संगठनों और दलों के लोगों ने राजधानी दून में महारैली निकाली थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है और इससे पहले सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीएस राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि बहुत जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार उत्तराखंड के लोगों के हित में फैसला लेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, एक विषय जो इस बीच में बहुत तेज़ी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। बस इतना ज़रूर है कि लोगों को सरकार पे विश्वास करना चाहिए और भरोसा रख